आइए फ्रेंड्स, फिर हम कुछ नए ट्रिक्स के बारे में जानते हैं अलजेब्रा से में। हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं जिनकी हमें ट्रिक्स की जरूरत पड़ती है। वो ट्रिक्स से ही इजी वे में सॉल्व हो पाते हैं, जल्दी जल्दी हम उसका हल निकाल पाते हैं। तो हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट है। जैसे हमारे पास x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू सिक्स है, तो उसका एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि जैसे अगर हमारे पास पहले तो प्लस प्लस अगर होगा तो आंसर में हम माइनस कर लेंगे, अगर माइनस माइनस होगा तो आंसर में प्लस कर लेंगे, और पहले में प्लस दूसरे में माइनस होगा तो आंसर में प्लस कर लेंगे, पहले में माइनस होगा दूसरे में प्लस होगा तो आंसर में प्लस कर देंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले तो अगर x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू सिक्स है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो हम क्या करेंगे, सिक्स का स्क्वायर कर देंगे और टू से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास इसकी वैल्यू मिल जाएगी जो कि 34 आ रही है। और सेम इसी तरीके जब माइनस होगा और दूसरे में प्लस होगा तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। माइनस प्लस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास प्लस होता है, तो आंसर 27 आ जाएगा। और ठीक इसी तरह अगर एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब होगा तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो 2 का क्यूब कर देंगे और उसमें से 2 इंटू 3 कर देंगे जो कि हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 2 मिल जाएगी। ठीक इसी तरीके से अगर दोनों पहले माइनस और दूसरे में माइनस तो हम प्लस कर देंगे जो कि कॉन्सेप्ट है हमारा, तो यहाँ पे 5 का क्यूब कर देंगे, फिर इसमें 5 और 3 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और उसे इस क्यूब के वैल्यू से जोड़ देंगे, तो हमारे पास 140 आ जाएगा। इसी तरीके जब हम x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इस 4 का स्क्वायर करेंगे और इस 4 का स्क्वायर करने के बाद इसमें 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब ये 2 कहाँ से आया, तो क्या करेंगे, इस 4 का फैक्टर करेंगे, 4 का फैक्टर करेंगे तो ये 2 इंटू 2 में हम इसका फैक्टर कर लेंगे, 4 का फैक्टर हमारे पास 2 इंटू 2, तो पहला वाला जो 2 है उसका पहले हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14, फिर 14 का स्क्वायर करेंगे, फिर हम उससे 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 194 बचेगा। ठीक इसी तरीके जब एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 5 को हम 2 और 3 में ब्रेक कर लेंगे, 2 और 3 में ब्रेक कर लेंगे, 5 को हम 2 और 3 में ब्रेक कर लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे और फिर 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 7 बचेगा। ठीक इसी तरीके से हम एक और स्टेप लेंगे, उसमें 3 का क्यूब करेंगे और 9 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब ये 9 कहाँ से आया, तो यहाँ पे जब दो फैक्टर हुए थे 5 के 2 और 3, तो जब एक तो स्क्वायर वाला होगा एक क्यूब वाला होगा, तो स्क्वायर वाला तो सिंपली हम 2 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, लेकिन जो क्यूब वाला होता है उसमें 3 से, और यहाँ पे भी 3 बचेगा तो 3 इंटू 3 9, यहाँ से 9 आ जाएगा हमारे पास और यहाँ पे 18 बचता है। तो सेकंड स्टेप और फर्स्ट स्टेप दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारा इस पूरे का आंसर आ जाएगा, इस पूरे का आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो समझ गए आप लोग, इस ट्रिक का इस्तेमाल करके हम इस टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, फास्ट ट्रैक से आंसर इसका निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना याद रखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।